सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोस के माध्यम से अच्छी और उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी जानी मानी जगह हैं भाई नवीन के डेयरी फार्म से, और हम सब जानते हैं कि नवीन भाई के डेयरी फार्म से जितने भी कवरेज करते हैं काफ़ी अच्छा से अच्छा पशुधन हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में एक और काफ़ी ज़बरदस्त दूध लाइन की और हम बात करें बिगेस्ट अडर मुर्रा, मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा जी। काफ़ी युवा पशुपालक है लेकिन जो भाई का सिलेक्शन है जी बेजोड़, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में काफ़ी अच्छी दूध लाइन की जोटी आप जैसे कि जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाई साहब से डिटेल्स लेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एड्रेस आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, गांव श्यातथोर, ज़िला लगता है जी चरखी दादरी और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मिलवाते हैं नवीन भाई के हैं, छोटे भाई हैं भाई संदीप, और काफ़ी अच्छी रेख देख पशुधन की करते हैं। तो भाई जो नवीन है फील्ड में गया हुआ पशुधन को लेने के लिए, तो मिलवाते हैं भाई साहब से और इस जोटी के डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। भाई सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज जो हमारे से जोटी दिखा रहे हैं इसकी डिटेल्स हम आपसे पूछना चाहेंगे, कौन से लैक्टेशन में? तीसरे ब्यात में। थोड़ा तेज बोले भाई साहब। तीसरे ब्यात में है, ठीक है। मौके पे 18 किलो दूध तुल के आई है। 18 किलो दूध मौके पे तुल के आई है। तो साथ में क्या है? साथ में कटड़े हुए बहुत जबरदस्त। साथ में फीमेल काफ है, ठीक है। थर्ड लैक्टेशन की मैं जोटी आप जैसे कि देख पा रहे हैं जी, और जो लेंथ है पिकअप के समान में लेंथ आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा जी। ये देख सकते हैं लेंथ काफ़ी ज़बरदस्त है। और हम बात करें जी मौके पे 18 किलो दूध भाई साहब बता रहे हैं कि तुल के आई काटे का, भाई साहब काटे का दूध जो कि भाई साहब इसको तोल के लेके आए हैं। और कब आई भाई साहब, ये आई कब है अपने पास? ठीक है, आज तो आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं जी लेंथ काफ़ी अच्छी, तीसरे ब्यात की जोटी है जी, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी भाई। हाँ जी, 21-22 नॉर्मल दाने पानी में दे रखा है। अच्छा, 21-22 लीटर, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को जो कि क्वालिटी दिखाना चाहेंगे जी, बिल्कुल सिंगल अड्डी की है। और हम जैसे जैसे नीचे आएंगे जो अडर है काफ़ी ज़बरदस्त अडर की जोटी है हमें यहाँ पे देखने को मिली है जी, ये देख सकते हैं। और ऐसी जोटी तो भाई साल में कभी कोई एक आध निकल के आती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जी। अभी आपको अडर का जो कि मायना पता लगेगा कि अडर कैसा है। इधर रखे भाई साहब, बच्चे को इधर ही रखे, ये देख सकते हैं अडर काफ़ी ज़बरदस्त। ऐसे ऐसे अडर की जोटियां हैं काफ़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर भाई नवीन के डेयरी फार्म से हमने कवरेज किए काफ़ी अच्छा ही पशुधन। और हम बात करें अडर के मामले में काफ़ी अच्छा, भैंस का काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त जो शरीर के आप जैसे कि जो भैंस है वो देख पा रहे हैं जी। और पूंछ भाई केवल एक ही इंच सफ़ेद है, पास आइए एक बार। अच्छा, ये देख सकते हैं केवल एक इंच सफ़ेद है, ठीक है ठीक है। तो भाई साहब हम जानना चाहेंगे अगाड़ी कितने निकाल रही है अभी? अगाड़ी भाई ढाई से तीन लीटर के दूध की अभी जस्ट अगाड़ी निकल रही है। अच्छा, तो बिक्री के लिए उपलब्ध है? हाँ। रेट रेट भाई मुख्य करें, रेट मुख्य पे करना चाहेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे। अच्छा, तो हम भाई साहब जानना चाहेंगे, जस्ट हमने पीछे भी आपकी एक दूध और घी लाइन की जोटी की वीडियो कवर की थी, तो सेल होगी भाई साहब वो? हाँ भाई, वो 10 मिनट में सेल होगी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राहक है भाई साहब। और उस पर मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, कल ना आप भी परेशान ना हो, जो व्यूअर जो देख रहे हैं मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी पशुधन को परचेज करने के लिए जाते हैं तो अपनी साई करें, या फिर आप साई नहीं कर पाते तो फ़ोन पे पूछ के जाएं कि भाई आपकी पशु की साई तो नहीं हुई है, तब भी आप इतनी दूर से जाएँ। अच्छा, हाँ हाँ, वो वेगर साइड डाले आ गए और उससे पहले तीन जगह से और आए हुए थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने पैसे दे दिए। अच्छा, तो वो आके बोला कि आपकी और मेरी बात हुई थी कि भैंस नहीं ले। अच्छा ठीक है, भैंस को इधर करें भाई साहब, भैंस को इधर करें आप, ये देख सकते हैं। पसंद आए तो पहले साइड डाले, बाद में अपनी आगे मन की संतुष्टि कर सकते हैं। अगर कुछ कमी निकलती है तो साई भी आपकी वापसी होगी। और ये देख सकते हैं जी काफ़ी ज़बरदस्त लिया है भाई साहब, ले आओ अंदर, ले आओ अंदर, ले आओ आप, ये देख सकते हैं। किसी के 2-3 हज़ार रुपये से ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा काफ़ी साफ़ सुथरा काम है भाई साहब कर रहे हैं।
और काफ़ी कम बैसों के नीचे जो फीमेल काप है हमें देखने को मिलती है, लेकिन ज़बरदस्त क्वालिटी, हाइट, लेंथ काफ़ी अच्छी। और हम बात करें जी दो थनों में जो स्पेस वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो हमें इस जोटी में देखने को मिला है जी। और काफ़ी ज़्यादा हैं कवरेज करते हैं भाई के डेयरी फार्म से, महीने में मेरे हिसाब से 10 वीडियो आराम से होती है और अच्छा ही पशुधन ज़्यादातर वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। इस साल की सबसे टॉप जोटी है। अच्छा, सबसे टॉप भाई साहब बता रहे हैं। और लंबाई बिल्कुल जो रेल का डिब्बा बोलते हैं ना भाई साहब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ब्रीडिंग पर्पज के लिए भी काफ़ी अच्छी, ब्रीडिंग पर्पज के लिए इसलिए कह रहे हैं जो साथ में फीमेल काफ है, जैसे कि आप जो कदकाठी भी फीमेल काफ की देख पा रहे हैं जी, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की। और बैस में आज की तारीख में एक भी माइनस पॉइंट है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा जी, ये देख सकते हैं। तो रेगुलर रूटीन से भाई का जो कि स्क्रीन पर भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा है, आप इन पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जी। और आशा करेंगे आज की जो हमारी ये कवरेज है जी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।